माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन बनाए हैं। आइए दोस्तों सीखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे डिजाइन बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैनर बनाने के बारे में। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करना है। तो ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है, जिससे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। इसमें इंसर्ट मेनू में रेक्टेंगल आपको एक आयताकार खींचना है। तो ध्यान रहे कि पेज को ऊपर से थोड़ा नीचे छोड़ते हुए खींचना है। तो इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार दूरी निर्धारित कर लें और आउटलाइन पे जाकर स्ट्रोक निर्धारित कर दें और सेव फिल कलर में जाकर आप कलर सेट कर दें। ग्रेडियंट कलर है, टेक्सचर है, पिक्चर है, पैटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग टू कलर का चुनाव करेंगे, कलर वन कलर टू। तो एक में हम लोग येलो कलर लिए हैं और दूसरे में रेड कलर का चुनाव किए हैं। तो यहाँ से हम लोग कलर फिल कर लेंगे रेक्टेंगल में। इसके बाद इंसर्ट मेनू में ही वर्ड आर्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपको लिखना है। यहाँ पे हम लोग रिया हॉस्पिटल के बारे में बैनर बना रहे हैं, तो रिया हॉस्पिटल यहाँ पे लिख लेंगे और फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार फॉन्ट यहाँ पे सेट करना है। जैसे आपको फॉन्ट अच्छा लगे वैसे फॉन्ट हम यहाँ पे चुन लेंगे और बोल्ड साइज करके ओके कर देंगे, जिससे यहाँ पे एक लाइनिंग के रूप में बन किया जाएगा। तो यहाँ पे लाइनिंग को हटाने के लिए टेस्ट वार्पिंग में जाएंगे और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देंगे, जिससे लाइनिंग हट जाती है। और आवश्यकता अनुसार हम लोग यहाँ पे माउस के द्वारा इसके क्लिक करके जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने के सिरे से घिसते हुए आवश्यकता अनुसार इसे लंबाई चौड़ाई कर लेंगे। तो रिया हॉस्पिटल का जो मेन पॉइंट होगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे। और उसके बाद फिल कलर और आउटलाइन आवश्यकता अनुसार इसे दे देंगे। तो फिल कलर यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे हैं और आउटलाइन, तो फिल कलर यहाँ पे हम लोग नीला रख रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल है। और यहाँ पे आउटलाइन का कलर हम लोग वाइट रखे हैं। और यहाँ पे वर्ड आर्ट आर्ट के माध्यम से यहाँ पे प्लस का चुनाव करेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो प्लस का चिन्ह बनेगा। तो यहाँ से एक यहाँ पे हम लोग डॉक्टर का चिन्ह यहाँ पे निर्धारित कर लेंगे। फिल कलर रेड रखेंगे और आउट कलर वाइट रखेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके लेफ्ट राइट दोनों साइड रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे राइट साइड रख लेंगे। अब ये निर्धारित करना है कि हॉस्पिटल कहाँ खुला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में शेप ऑप्शन में रेक्टेंगल फिर से चुनाव करेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में ही आउटलाइन हटा देंगे इसका। और यहाँ पे राइट बटन दबाकर ऐड टेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे कि नरई बांध मऊ में, अगर ये खुला है तो नरई बांध मऊ लिखेंगे। और इसे सेंटर करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया है, जाएंगे हम लोग होम मेनू में। होम मेनू में सेंटर ऑप्शन, यहाँ पे एक सेंटर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे जिसे आपका टेस्ट सेंटर में आ जाएगा। और कलर अपने इच्छा अनुसार बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी देना है कि वहाँ पे रिया हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है यानी सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं लेने के लिए हमें जाना है इंसर्ट मेनू में,
और शेप ऑप्शन में। यहाँ पे हम लोग एक राउंडेड वाइज रेक्टेंगल लेफ्ट साइड खींचना है और उसके अंदर एड टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग फैसिलिटीज टाइप कर देना है, टाइप करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाकर हम लोग क्या करेंगे, साइज बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिल कलर और आउटलाइन को ध्यान देते हुए इसमें कलर कर लेंगे और सेंटर में इसमें हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ फैसिलिटी हो गई कि क्या वहाँ फैसिलिटी है, तो शेप में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे एक शेप और लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाइज ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ करते हुए कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यानी यहाँ पे एक जो फैसिलिटी है हमको देना है, तो इसी तरह हम लोग कम से कम चार ऑप्शन हम लोग बना ले रहे हैं, लेफ्ट और राइट, और कीबोर्ड की सहायता से आवश्यकता अनुसार आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग सेट कर लिए हैं और इसी पे राइट बटन दबाकर एड टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पे फैसिलिटी देना है। यहाँ पे MRI होता है तो MRI दे देंगे और सेलेक्ट करके साइज कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए और सेंटर में रख लेंगे कीबोर्ड की सहायता से। इसी तरह सभी चारों में सेट करना है। और यहाँ पे एक्सरे की सुविधा है तो एक्सरे देंगे सेलेक्ट करके उसी प्रकार कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज बड़ा करने के बाद, और सेंटर में टेक्स्ट सेट कर देंगे, और यहाँ पे एड टेक्स्ट, और यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट दे देंगे, सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जिससे साइज बड़ी होती है, और कर्सर आगे करके स्पेस बटन दबाएंगे तो कर्सर क्या होगा आगे घसकता चला जाएगा। इसी तरह नीचे आना है, राइट दबाकर एड टेक्स्ट, और यहाँ सीटी स्कैन की भी सुविधा है तो सीटी स्कैन भी यहाँ पे साइज बड़ा कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्लिप आर्ट इंसर्ट मेनू में मिलेगा, और यहाँ पे क्लिप आर्ट में हमें डॉक्टर का चिन्ह लाना है, यानी सिंबल यहाँ पे लगा देंगे कोई पिक्चर। अगर दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे और इमेज हम पर क्लिक कर इमेज पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट वार्पिंग पे जाना है, तभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड आया था इसमें रिकलर ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू में, वहाँ पे ले जाकर क्लिक करने से क्या होता है कि बैकग्राउंड वहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे हमें डॉक्टर का नाम देना है कि यहाँ पे रिया हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, और स्टॉक रेक्टेंगल का हम लोग बड़ा कर लेंगे, स्टॉक बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर OP शर्मा हैं जो MBBS किए हुए हैं, तो स्पेस देते हुए नीचे डैश मारकर MBBS MD यानी MBBS किए हैं और मेडिसिन से किए हैं। उसके बाद एक और डॉक्टर का नाम देना है, यानी डॉक्टर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डॉक्टर उषा राय। जो बेबी केयर हैं, बच्चों का रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनको हम यहाँ पे देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक रेक्टेंगल देकर रियो हॉस्पिटल का बैनर बना पाएंगे, और इसे हम रेक्टेंगल को क्या करेंगे आवश्यकता अनुसार
लेफ्ट राइट सेट भी कर लेंगे। बेबी केयर यहाँ नाम दे देंगे और रेक्टेंगल की साइज़ हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। यानी आपको लगे कि साइज़ छोटी है, टेक्स्ट सेलेक्ट करके जिसको आपको हाईलाइट करना है तो फिल कलर में जाना है, उसे सेलेक्ट करके जो कलर देना चाहते हैं उस कलर को हम लोग सेट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर उषा राय को हाईलाइट कर दिया हूँ, उसी प्रकार हम क्या करेंगे डॉक्टर ओपी शर्मा को सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ उसको ही सेलेक्ट करिए जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं और फिल कलर में जाकर उसे कलर सेट कर दीजिए। और साइज यहाँ पे हम लोग बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल नंबर जो आप देकर हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। इसे हमें आवश्यकता अनुसार काटना होगा तो स्निपिंग टूल का चुनाव करेंगे, स्टार्ट बटन में मिलता है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके क्रॉप कर लीजिएगा और इसे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, कोई नाम दे देंगे यहाँ पे और इसे सेव कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। मिनिमाइज़ करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपने क्या बनाए हैं, इसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने रिया हॉस्पिटल का एक बैनर बनाया है। Yeah!